बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जब इंसान कुर्बानियां देता है, जब हज करता है, उसके अंदर तीन अलामतें अगर पैदा हो गईं तो समझो उसको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो गया, वो अल्लाह के वलियों में लिख दिया गया, अल्लाह ने अपनी औलिया की जमात में उसको शामिल कर लिया। और मैं तीन अलामतें अगर उसके अंदर पैदा हो गई, वो समझे कि अल्लाह तबारक व ताला का तकर्रुब मुझे मिल गया। मैंने जानवर ज़िबा किया, मैंने गाय ज़िबा की, मैंने ऊँट ज़िबा किया, मैंने जानवर जो है बकरा ज़िबा किया, अल्लाह के लिए मैंने ज़िबा किया है, ये अल्लाह का तकर्रुब लेने के लिए ज़िबा किया है। अल्लाह को हमारे गोश्त की ज़रूरत नहीं। तभी अल्लाह ने पहले कुरान में कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और तुम्हारी कुर्बानियों का खून हमारे पास नहीं पहुँचा, कि यनालु तक्वा मिनकुम, तुम्हारे दिलों का तक्वा हम तक पहुंचता है। तुम जानवर ज़िबा किस नियत से कर रहे हो, हमें राजी करने के लिए कर रहे हो या गोश्त खाने के लिए कर रहे हो? अगर हमें राजी करने के लिए कर रहे हो तो बस हमने इस तक्वे को कबूल करके, इसका कतरा अब जमीन पे गिरेगा नहीं, उससे पहले हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। पहली अलामत यह कि जब इंसान के अंदर यह अलामत पैदा हो जाए, समझे अल्लाह का कुर्ब मुझे मिल रहा है, वो क्या? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह पर कुर्बान कर दे, अपनी नफसानी जो लज्जात हैं, अपनी नफसानी लज्जात को तर्क कर दे। जब नफसानी लज्जात को तर्क कर देता है तो समझो कि उसको अल्लाह के तकर्रुब की पहली अलामत हासिल हो गई। और नफसानी लज्जात को तर्क करने का मतलब क्या है? एक मतलब यह कि फिजिकली तर्क कर दे, फिजिकली नफसानी लज्जात पैदा करने वाली चीज़ें छोड़ दे। जैसे इमाम अबू दाऊद ताई, सारी जिंदगी उन्होंने सालन के साथ रोटी नहीं खाई, एक गिलास पानी डाला, उस पर रोटी को टुकड़े भिगोए, नरम हो गए रोटी और पानी और टुकड़े पी गए और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। किसी ने पूछा, हजरत 30 साल हो गए आप इसी तरह करते हैं, आप खाना खा लें सालन के साथ? कहा कि एक मरतबा मैंने तजर्बा किया था कि सालन के साथ खाना खाऊं तो मेरा वक्त का इतना ज़िया हुआ कि उस वक्त में मैं 70 कुरान की आयतें तिलावत कर सकता था, मेरे कुरान की 70 आयतों का नुकसान हो गया। उसके बाद से मैं पानी के अंदर रोटी भिगो के पीने लग गया ताकि कुरान की 70 आयतें पढ़ सकूं। आप ये देखो, इन्होंने फिजिकली तर्क कर दी सारी नेमतें और पानी के अंदर रोटी भिगो के पीने लगे क्योंकि कुरान की आयतों की हर्ज ना हो जाए। और आज हम देखें, हमारे दस्तरखान सजते हैं तो वो दस्तरखान सजे रहते हैं, फिर हम उठने का नाम नहीं लेते, खाते चले जाते हैं, लेकिन अपने नफ्स को भरने के लिए, अपनी तोबड़ा नफ्स का भरने के लिए खाते चले जाते हैं, नहीं, ये अल्लाह को पसंद नहीं। तो फिजिकली, और दूसरा इंटेंशनली आपने तर्क कर दी। इंटेंशनली तर्क करने का मतलब है खाता भी है पीता भी है लेकिन सब कुछ अल्लाह के लिए करता है कि अल्लाह मैं अच्छा इसलिए खाता हूँ ताकि तवनाई कुव्वत आएगी तो मैं खड़े होकर तेरे लिए नफले अदा करूँगा, मैं अच्छा इसलिए पीता हूं ताकि तवनाई कुव्वत आएगी तेरी ज्यादा इबादत करूंगा, ताकि कुव्वत तवनाई आएगी मैं तेरी मखलूक की खिदमत करूंगा। तो ये नियत करके खाता है लेकिन अल्लाह के लिए खाता है, पीता तो अल्लाह के लिए पीता है, पहनता तो अल्लाह के लिए पहनता है, उसके अंदर नियत उसकी अपनी नफसानी ख्वाहिशात की नहीं होती तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इस हाल में लिख देते हैं कि इसे अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मुझ पर कुर्बान कर दिया। फिर उसकी वो शान हो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह की है, कितनी बड़ी बादशाहत कि रूए ज़मीन पर ऐसी बादशाहत किसी को मिली नहीं और क़यामत तक मिलेगी नहीं। लिखा है कि जब वो अपने घोड़े पर सवार होते थे, अभी सवार हो रहे होते थे, उस सवार होने तक पूरी तौरात तिलावत कर लेते थे। और आज हम अपनी मर्जी पे सवार होते हैं, अपनी टोयोटा करोला पे सवार होते हैं, अपनी होंडा स्विक पे सवार होते हैं, उस सवार होते होते अपने कितनी कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कौन सी सूरत पढ़ते हैं, नहीं, बस यही फर्क है। हाँ, आप मर्सिडीज ले लें, आप BMW ले लें, अल्लाह को इससे कोई गर्ज नहीं, अल्लाह को तुम्हारी BMW की परवाह नहीं है, लेकिन उस BMW में बैठते बैठते आप अल्लाह की सूरह फातिहा और 3 दफा कुल अल्लाह पढ़ के दिखा दें, अल्लाह कहेगा वाकई इसने मेरी नेमत का हक अदा कर दी। आज हम ये भी नहीं करते हैं। तो फरमाया नफसानी ख्वाहिशात को इंटेंशनली, गोया कि तुम सब पहनो ओढ़ो, बादशाह वक्त नजर आओ सुलेमान की तरह, बादशाह वक्त नजर आओ दाऊद की तरह, बादशाह वक्त नजर आओ यूसुफ की तरह, लेकिन ये सारे जर पर पहना है, लेकिन अंदर क्या है कि अल्लाह सब तेरे लिए पहना है, तेरी खातिर पहना है, तूने अता किया पहनकर तुझे खुश करने के लिए पहना है। इसलिए पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजरत गौस पाक एक मुकाम पर लिखते हैं, कभी कभी अल्लाह मुझे फरमाते हैं, ज़ाहिर इल्हाम वलियों को इल्हाम होता है, अल्लाह मुझे फरमाते हैं, अब्दुल कादिर अच्छे से कपड़े पहन के खुशबू लगा के सज बन के बैठ जा, इसलिए कि इस हाल में मैं तुझे देखना चाहता हूँ।
فرمایا کہ میں نے یہ کپڑے پہنے، میں نے جو خوشبو لگائی ہے، میں نے شاہی اور عمدہ جو لباس پہنا ہے، میں نہا دو کہ سج کے جو آج بیٹھا ہوں، میں اس لیے بیٹھا ہوں، میرے اللہ نے مجھے الہام کیا، عبد القادر تو اس حال میں بیٹھ، میں تجھے دیکھوں گا، اس حال میں تجھے دیکھ کے میں خوش ہو جاتا ہوں، مجھے خوش کرنے کے لیے بیٹھ جا۔ کہا کہ میں نے جو کیا ہے لوگوں، میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا۔ دیکھو پہن رہے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہن رہے ہیں، آپ بھی پہنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہنے، اے اللہ تو نے عطا کیا اس لیے پہن کے میں تجھے خوش کر رہا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے عطا کیا میں اچھا کھا کے تجھے خوش کر رہا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے عطا کیا اچھا پی کے تجھے خوش کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب مالک دے اور مالک سامنے بٹھا کے کھلائے تو پھر کھانے والے کو کیسا لطف آتا ہے۔ یہ ہے، یہ انٹینشنلی آپ ترک لذات، تو گویا کہ یہ پہلی علامت یہ کہ لذات کو ترک کر دیتا ہے، اور دوسری علامت یہ، فرمایا حق پر قائم رہتا، حق پر قائم رہتا ہے، بھلے وہ حق پر قائم رہنے سے کسی کو نقصان ہو یا نفع ہو، لیکن اپنے اللہ کا راستہ چھوڑتا نہیں، جو حق ہے وہ زبان سے بھی بیان کرتا ہے، جو حق ہے وہ عمل سے بھی کر کے دکھاتا ہے، جو حق ہے وہ حال سے بھی کر کے دکھاتا ہے، وہ زبان حال سے بھی حق بولتا ہے، تو گویا کہ حق کے اوپر قائم رہتا ہے، وہ باطل کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ گویا کہ دوسری علامت ہے کہ یہ اللہ کے تقرب اور قرب کے اندر جا رہا ہے، اور تیسری علامت فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ توازو اختیار کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے سامنے انکساری اختیار کرتا ہے، کہ اللہ کی مخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، ان کے سامنے اکڑ نہیں دکھاتا، اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو سر جھکا کر اس سے معافی مانگ لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، یا خاموشی سے وہاں چلا جاتا ہے، لیکن کسی پر تکبر نہیں کرتا، یہ توازو انکساری اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ اور میں یہ تین علامتیں جب اس کے اندر پیدا ہوں، خواہشات کی لذتیں ترک کر دیتا ہے، اور اسی طرح حق پر قائم رہنے لگتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے توازو سے پیش آنے لگ جاتا ہے، اور میں یہ خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کی قربانی کرنے کے بعد یا اس کے حج کرنے کے بعد، سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قربت میں لے لیا ہے۔